हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं पशुपालन विभाग गौरिया कर्मा। यह एक सरकारी फार्म है और यह फार्म काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में बना हुआ है, लगभग 5 एकड़ से भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे सुकर पालन किया जाता है और साथ ही आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सुकर पालन के विषय में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं और इसमें से काफ़ी सारे जानवर हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक TND नस्ल है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ TND नस्ल के ही सुअर मिलेंगे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ आपको TND ही मिलेगा और दूसरा कोई नस्ल यहाँ पे नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि एक रूम में काफ़ी ज़्यादा जानवर है, लेकिन रूम भी बहुत बड़ा बड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं कि एक रूम में 2 रखना है, 1 रखना है, 3 रखना है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रूम भी बड़ा है ना सर। आप देख पा रहे हैं कि आगे कितना सारा रूम बना हुआ है। ये देखिए एक जानवर, ये भी TND ही है। एक रूम में यहाँ पे 3 जानवर दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। बहुत लोगों का कहना भी होता है कि TND बड़ा नहीं होता है, उनके ग्रोथ नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि TND बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये भी उतना ही ग्रोथ करता है जितना यॉर्कशायर लार्ज वाइट। ये देखिए इनके अभी बच्चे, तो इसमें बच्चा है ना भी अपना। एक इनका लीटर साइज जो है वो 7+ होता है, 7 से ज़्यादा ही बच्चे देते हैं। कभी कभी रेयर केस होता है जबकि एक कितना दो दिन का होगा ये तो नहीं बच्चा? देते हैं, लेकिन फिर भी 4 तक कम से कम 4 दे देते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनका 4 महीना 5 महीना हुआ होगा। ये देखिए एक और सुकरी ब्याई है, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे हैं। बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मादा है। अब गौर से देखेंगे तो इनके दांत जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। ये वही दांत होते हैं जो बचपन में काटे नहीं जाते हैं, जो बचपन पेट के अंदर का जो दांत होता है ये वही दांत है। और कितने बढ़ गए हैं, इसलिए दांत हमेशा काट देना चाहिए कि कोई भी आदमी को वो हानि ना पहुँचाए। ये देखिए कोई आदमी नहीं है, साफ़ सफाई भी नहीं हुआ है। एक आदमी है वो कर रहा है धीरे धीरे। फार्म बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखिए मादा खाना खा करके सोई हुई है। ये देखिए अभी इनके बच्चे कितने सारे हैं, एक मादा के कितने सारे बाल बच्चे हैं, 2 4 6 8 10 बच्चे। इस मादा के 10 बच्चे हैं और वो भी सब अच्छे अच्छे हैं। खाना के कारण थोड़ा बहुत ये है, प्रॉब्लम है, बच्चे थोड़े कमज़ोर हो गए थे। इस कैबिन के मादा और इनके बच्चे हेल्दी हैं, इन्होंने भी 12 बच्चे दिए हैं। ये देखिए दूसरे कैबिन के, इसमें 2 4 5 इसमें भी 10 12 बच्चे हैं। ये भी बहुत हेल्दी हेल्दी है, मादा दूध पिला रही है बच्चों को। काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। बच्चे ये स्वस्थ है, पूरे के पूरे स्वस्थ बच्चे हैं और 1 से 1.5 महीने के बच्चे होंगे। ये माता देखिए, इनका मुंह देखिए थोड़ा बैंड है। TND ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि TND के नाम से कुछ दूसरा जानवर बेच देते हैं और नए नए किसान समझ नहीं पाते हैं और उनको प्रॉब्लम होता है कि TND कौन सा है और मिडिल TND कौन सा है, मतलब दोगला टाइप में या देहाती। ऐसा देहाती नहीं है ये, यहाँ पे आपको पूरा प्योर TND मिलेगा। ये देखिए फीमेल्स, इसमें गिल्ट है, एक बार भी जो पाल नहीं खाई है, क्रॉस नहीं हुई है, ये सारे गिल्ट है। ये अंदर का इंटीरियर पोर्शन काफ़ी सुंदर बना हुआ है, फार्म भी बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा भी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा फार्म है पर काफ़ी कुछ खाली भी है।
दूसरे कैबिन में चलते हैं। बहुत सारे कैबिन हैं पर दोस्तों समय के अभाव के कारण सारे कैबिन तो नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक दोनों नर काफी सुंदर, काफी सुंदर है। सारा रूम वगैरह सब अच्छा है, काफी अच्छा डिजाइन है, गवर्नमेंटल डिजाइन है, गवर्नमेंट खर्च करती है और अच्छे फार्मर भी खर्च करते हैं जिनको पैसे कमाने का। ये देखिए, ये सुकरी, ये थोड़ा प्रॉब्लम है एक बच्चे में, बाकी सारे बच्चे ठीक हैं। कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, TND के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए कुछ कुछ बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, दूध नहीं मिल पाता है उनको। ये देखिए, ये भी गिल्ट है बढ़िया से, ये भी देखिए गिल्ट है, ये TND का गिल्ट है। ये दूसरा केबिन, ये देखिए एक यहाँ पे काम करने वाला सबों को पानी पिला रहा है, पानी पिला रहा है, साफ सफाई कर रहा है, नाद बनाया हुआ है पानी पीने के लिए। यहाँ पे निपल का व्यवस्था नहीं है, नाद में दिया जाता है यहाँ पे पानी सबों को। ये देखिए इनके दो बच्चे, दोनों ही काफी बच्चे हैं। बहुत सारा कैबिन खाली भी है, इसमें देखिए एक बच्चा, ये गिल्ट है, ये भी गिल्ट है, ये प्रेग्नेंट है। बात किया मैंने इनसे, ये बोले नहीं, ये दोनों प्रेग्नेंट है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे रख रखाव है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए तो बच्चे यहाँ पे देखिए, 2, 4, 6, 8 बच्चे, एक मादम के 8 बच्चे, वो भी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये भी देखिए TND सब खाना अपना मस्त है।